मेरे प्यारे साथियों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा पंच भौतिक तत्वों जल, अग्नि, वायु, भूमि तथा वनस्पति से निर्मित मानव को सभी दिशाओं से आवृत करने वाले तत्वों के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति में इन सबकी मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलन में जीवन चलता रहे। पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का सर्वोच्च वरदान है। यह पृथ्वी का वह पक्ष है जिसमें पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है, किंतु जिस तरह से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ने इस सुंदर सुखद मातुल्य प्रकृति को या उसका दोहन किया है, वे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़ी विपत्ति कई बार बड़े सुधार का आधार खड़ा कर देती है। साथियों, यही सिखाया है COVID-19 के कुछ महीनों के लॉकडाउन ने। नीला आकाश, दूर से दिखाई देते बर्फीले पर्वत, प्रदूषण मुक्त शुद्ध वायु, कल कल करता नदियों का स्वच्छ जल, हरे भरे जंगल, पशु पक्षियों का स्वच्छंद विचरण, प्रसन्न झूमती प्रकृति मानो पर्यावरण दिवस पर हमें ये संदेश दे रही है कि हमें अपनी अनियंत्रित आकांक्षाओं पर लगान लगानी होगी। हर नागरिक को स्वयं प्रकृति की रक्षा करने के लिए आगे आने होगा, स्वयं को मोटिवेट करना होगा, दूसरों को मोटिवेट करना होगा और अपने इस पर्यावरण संरक्षण को अपना धर्म और कर्तव्य मानकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के शाश्वत सिद्धांत परस्परोपग्रहो जीवानाम यानी जीव और जीने दो का पालन कर पर्यावरण संरक्षण संग्राम में आत्मविश्वास और अधिक निष्ठा के साथ अपना बहुमूल्य योगदान देना होगा। जय हिंद, जय भारत।